कोई साथ में आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी, करोड़ों किसानों की आवाज को उन्होंने जो बुलंदी दी, सचमुच चौधरी साहब का सम्मान देश के कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है। और चौधरी साहब की स्मृतियों को यह एक नमन भी है, विनम्र श्रद्धांजलि भी है। चौधरी साहब का आंकलन, उन्होंने जो सुधार के कार्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में और देश में प्रधानमंत्री के रूप में जो किए थे, वो अविस्मरणीय है। राजस्व में आज जो कुछ सुधार हमें देखने को मिलता है, वह चौधरी साहब की देन है। एक गरीब को उसका अधिकार मिल पा रहा है, चौधरी साहब की देन है। किसानों की आवाज को हर मंच पर तवज्जो दी जा रही है, और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह भी चौधरी साहब की देन है। इन सभी नेताओं ने या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने देश को एक पहचान दी, और सर्वथा भारत रत्न एक उपयुक्त सम्मान है। मैं सोचता था कि अपने बजट भाषण में जब किसानों की बात आएगी तो नेता विरोधी दल अवश्य चौधरी साहब का स्मरण करेंगे, लेकिन बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहे मन फाटे दूध को मथे न माखन हो। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है, कोई साथ में आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दे। तो चाचा तो जानते ही थे कि इसलिए क्या होने जा रहा है। और इसलिए भाई पार्टी, यानी हम लोग तो सम्मान देते हैं, हम सम्मान देते हैं, लेकिन कम से कम इन चीजों का उल्लेख करना चाहिए था, सदन के अंदर सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए था। चौधरी साहब का सम्मान किसानों का सम्मान है और उत्तर प्रदेश का सम्मान है। इसलिए बजट के अंदर जब अन्नदाता किसानों की चर्चा हो रही है तो कम से कम इन चीजों का उल्लेख कर देते तो अच्छा रहता, इसमें मुझे लगता है उनका भी सम्मान बढ़ता। लेकिन